हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि एनवायरनमेंट लॉ का ही पार्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने जो चार पार्ट में आप लोगों को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ पे जो यूएन कॉन्फ्रेंसेज हैं वो सारा बता दिया है, तो जिन लोगों ने पहले वो नहीं देखा है पहले वो देख ले, उसके बाद आप लोग को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शॉर्ट फॉर्म में NGT बोला गया है। तो क्या है ये कब बना, कैसे आया, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहला ये जान लीजिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा और सेक्शन 3 ऑफ द NGT एक्ट 2010, ठीक है। कब आया ये, 2010 में आया, NGT एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके पास बहुत सारे पावर्स है, बहुत सारे इसके पास कोर्ट जैसी ही पावर हैं, तो वो क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे डिटेल में। और इसने NGT एक्ट आया 2018 अक्टूबर को, और इसने क्या रिप्लेस किया, इसके पहले NGT के जगह क्या काम करता था, तो वो नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, NEAA, नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी का काम जो भी था वो अब चेंज होकर NGT एक्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फिर चेयरपर्सन और मेंबर्स कितने होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए चेयरपर्सन का, फिर जुडिशियल मेंबर का, एक्सपर्ट मेंबर्स का, अदर ज़रूरी चीज़ें, ज्यूरिसडिक्शन वगैरह, हम लोग सारी चीज़ें अब पढ़ेंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है NGT को बनाने का, एस्टैब्लिश करने का, सबसे पहला चीज़ क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा, ताकि एक उसको प्रोवाइड किया जा सके कैसा, इफेक्टिव एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जल्दी से जल्दी, एक्सपेडिशियस और इफेक्टिव, ठीक है, एक्सपीडिशियस और इफेक्टिव सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी केसेस आते थे उसका लीगल हैंडलिंग जो है वो अब NGT करेगी, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, कंजर्वेशन से हो, फॉरेस्ट हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, ठीक है। इसके वजह से NGT को लाया गया। दूसरा है कि रिलीफ और कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी, रिलीफ प्रोवाइड करवाना, डैमेजेस प्रोवाइड करवाना, अगर किसी पर्सन को हुआ है प्रॉपर्टी, अगर हो किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, उसको रिलीफ पहुंचाना है, उसको तो कंपेंसेशन, प्रॉपर्टी को क्या कंपेंसेशन चाहिए, प्रॉपर्टी को है कि रिलीफ, वापस से रिस्टोर करना, वो सारी चीज़ें जो है NGT के पास होती है और अदर रिलेटेड मैटर्स। तो यह है बेसिक ऑब्जेक्टिव। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग जान लीजिए कि NGT के चेयरपर्सन मैन कौन है, अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, तो वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, नाम लिख लीजिए जस्टिस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी प्रेजेंट और पहले के जितने चेयरपर्सन रह चुके हैं, क्योंकि ये 2010 में एस्टैब्लिश हुआ है और पाँच साल की ड्यूरेशन की टेन्योर होती है इन लोगों की, तो बहुत ज़्यादा चेयरपर्सन तो नहीं है, अब तक तीन ही, ये थर्ड है जो प्रेजेंट है, ये थर्ड है, तो इसके पहले जो और दो थे वो उनका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन का नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। पहले चेयरपर्सन जो थे वो है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत, ठीक है, लोकेश्वर सिंह पंत पहले चेयरपर्सन थे। और जो सेकेंड चेयरपर्सन थे, क्योंकि ये थर्ड है प्रेजेंट वाला, तो सिर्फ एक सेकेंड का ही क्यों छोड़े वो भी जान लेते हैं। सेकेंड चेयरपर्सन का नाम है जस्टिस स्वतंत्र कुमार, ठीक है, तो तीन चेयरपर्सन रह चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट है लोकेश्वर सिंह पंत, सेकंड है स्वतंत्र कुमार, और थर्ड है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं चेयरपर्सन और मेंबर्स के, ठीक है, कितने चेयरपर्सन होते हैं, फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, जो अभी चेयरपर्सन है आदर्श कुमार गोयल है, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है, ठीक है, तो इन्होंने 2018 में ज्वाइन किया और 5 साल का टेन्योर है, तो अभी चलेगा इनका। तो एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स होंगे NGT में, मिनिमम 10 जुडिशियल मेंबर होंगे, और मैक्सिमम फुल टाइम कितने होंगे, 20, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, ये जुडिशियल मेंबर्स के केस में भी एप्लीकेबल है, और अगर एक्सपर्ट मेंबर्स के बारे में बात की जाए तो भी वो मिनिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 20, ठीक है, बहुत ईजी है, 10 और 20, ये फिगर्स आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, द पर्सन शुड हैव बीन आइदर अ जज ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए,
सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर पास सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, जज होना या फिर उसको उस पर्सन को जज होना पड़ेगा या फिर वो पास में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, तो ही वो एलिजिबल होंगे चेयरपर्सन बनने के लिए। ठीक है, जुडिशियल मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ अ हाई कोर्ट, वो दोनों कोर्ट के ही जज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर। चेयरपर्सन के लिए जस्टिस होना होगा हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जज रहना पड़ेगा, लेकिन जुडिशियल मेंबर के लिए दोनों ही कोर्ट के जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये है बेसिक डिफरेंस, तो इसमें हम लोगों ने क्वालिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब एनजीटी एडजुडिकेट करता है कौन से एक्ट को, जो शेड्यूल 1 में जितने भी सारे एक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को वन बाय वन बताती हूँ। टोटल 7 एक्ट्स हैं जो कि एनजीटी के अंडर है। तो सबसे पहला है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर से रिलेटेड 2 एक्ट है, एक वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 और है वाटर पॉल्यूशन सेस एक्ट, CESS, वाटर पॉल्यूशन सेस एक्ट, ये है 1977। पहला है 74, उसके बाद है 77, 3 साल का डिफरेंस है। फिर फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट कब आया? 1980, 77 के बाद 1980, उसके बाद एयर 1981, एयर पूरा नाम बता देती हूँ आप लोग वैसे भी सुन लीजिए, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, टाइम लगेगा इसलिए मैं छोटा छोटा बता देती हूँ। एनवायरमेंट एक्ट 1986 में आया, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में आया और एट लास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। फिर से सुन लीजिए, वाटर से रिलेटेड सबसे पहला कैसे याद रखेंगे कितना कितना है, सबसे पहला हम लोग का मेन जरूरत है जीवन जीने के लिए वो है वाटर, ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन 1974, फिर वाटर पॉल्यूशन सेस 1977, जैसे ही वाटर का हो गया उसके बाद हम लोग चल जाएंगे फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट आ गया 1980, फॉरेस्ट के बाद एयर, एयर आ गया हमारा 86 और उसके बाद आएगा एनवायरमेंट, एयर के बाद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट है हमारा 1986 और उसके बाद आएगा पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस वो 1991 और एट लास्ट आएगा हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, ये 7 हो गए आप लोगों के। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एनजीटी के, वो मैं आप लोगों को एनजीटी एक्ट का बता देती हूँ। सेक्शन 14 बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में, ठीक है, कितने दिन के अंदर करना होगा सेटलमेंट, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच, और अगर 6 मंथ्स के बाद भी अगर ट्रिब्यूनल उसको अलाउ करती है तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन और सर्कमस्टांस, अगर वैसा लगा कि पिटिशनर के पास था जिस वजह से वो विद इन 6 मंथ्स नहीं आ पाया तो वो कंसिडर, वो डिस्क्रिशन है ट्रिब्यूनल का, वो ले सकता है, लेकिन कितना मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, 60 डेज से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देगा, 6 मंथ्स के बाद 60 डेज के बाद नहीं होगा एक्सीडिंग। ठीक है, ये हो गया सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेक्शन 14 याद रखिए, 14 में है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब आते हैं सेक्शन 18 में, वहां है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन ऑफ अपील, और अपील कैसे फाइल करेंगे, तो सबसे पहला है कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2, दो तरह का फॉर्म होगा। फॉर्म 1 में हमारा अगर किसी ने कंपेंसेशन क्लेम नहीं किया है तो उसको एक मिनिमम ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या फिर IPO बनाना है, वो है 1000 रुपीज का, फॉर्म 1 में 1000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट या IPO बनाना है, वेर कंपेंसेशन इज नॉट क्लेम्ड, याद रखिए कंपेंसेशन जहां क्लेम नहीं किया गया है बाय द एप्लीकेंट, किसके पास करेगा, रजिस्टर के पास, रजिस्ट्रार के पास, प्रैक्टिशनर टू द रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नोलेजमेंट ड्यू एंड सेंड टू द कंसर्न प्लेस ऑफ सिटिंग, जिस प्लेस पे सिटिंग हो रहा है उस प्लेस पे भेजेंगे। ठीक है, तो फॉर्म 1 में विदाउट कंपेंसेशन 1000 रुपीज का DD या IPO टू द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार नहीं है तो जिसको ऑथोराइज किया गया है उसके प्लेस पे वो, तो ये फॉर्म 1 हो गया। सेक्शन 18 हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसीड्योर और फाइलिंग, ठीक है, फॉर्म 2 में हो गया अगर किसी ने कंपेंसेशन क्लेम किया है तो उसको क्या करना होगा, उसको एकम्पनी करना होगा, एक फी देना होगा इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्लेम, अगर जितना कंपेंसेशन क्लेम किया गया है उसका 1% और सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ रुपीज 1000, मिनिमम 1000 होगा, ऐसा नहीं कि कंपेंसेशन कम है तो उसका 1% बहुत कम हो रहा है तो बहुत कम पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है, मिनिमम 1000 तो देना ही है, उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो जितना कंपेंसेशन है उसका 1% मिनिमम आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
तो दो फॉर्म में हो गया, फॉर्म वन फॉर्म टू, और ऑल अपील्स और एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन द फॉलोइंग टू कंपाइलेशंस। नंबर वन, एप्लीकेशन और अपील विद द इंपॉर्टेंट ऑर्डर, अगर किसी तरह का ऑर्डर है तो, और अगर ऑर्डर नहीं है तो ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्सर्स रेफर टू इन द एप्लीकेशन और अपील इन पेपर बुक फॉर्म, जैसे फॉर्म में बताया गया है वैसे फॉर्म में, पेपर बुक फॉर्म में देना होगा, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर्स जो भी है सबको अटैच कर करके। अब बात करते हैं कि इसका क्या, कितना जुरिसडिक्शन है ये, मतलब किस कितना पावर है इसका, एक सिविल कोर्ट के जितना जुरिसडिक्शन है। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर व्हिच द ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन। जो पावर अब ट्रिब्यूनल को दे दिया गया है तो उस चीज को लेकर हम लोग किसी सिविल कोर्ट के पास नहीं जा सकते, जाएंगे भी तो सिविल कोर्ट हम लोगों को बोलेगा कि आप एनजीटी के पास जाइए, क्योंकि अब ये सारा काम एनजीटी देखती है। तो सिविल कोर्ट के जैसा ही पावर एनजीटी के पास है, और वो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो ट्रिब्यूनल ही देखेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 14 और 18, तो मैंने आप लोगों को बता दिया सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन। अब सेक्शन 15 में बात करते हैं रिलीफ, कंपेंसेशन और रेस्टिट्यूशन के बारे में। तो विद इन 5 ईयर्स में आपको जो है कंपेंसेशन के लिए क्लेम करना होगा, जिस दिन से हुआ है उससे लिमिटेशन है कि विद इन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के अंदर आपको कंपेंसेशन क्लेम कर लेना है। और फिर अगर ट्रिब्यूनल को अगर लगे कि उसके बाद भी आप लोगों को टाइम देना चाहिए, किसी वजह से नहीं आप आ पाए हैं 5 ईयर्स के अंदर, तो फिर और एक्स्ट्रा कितना दिन मिलेगा, 60 डेज, जिस पहले भी मैंने बताया 60 डेज, यहाँ पे भी 60 डेज है, याद रखिए। अब कंपेंसेशन या रिलीफ कैन बी क्लेम्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, किस किस हेड्स पे कंपेंसेशन हम लोग क्लेम कर सकते हैं या रिलीफ, अगर डेथ हुई है, परमानेंट या टेम्पररी या टोटल या पार्शियल डिजेबिलिटी और अदर इंजुरी अगर हुई, डिजेबिलिटी अगर टोटल है या पार्शियल है, टेम्पररी है तो वो परमानेंट है, वो डिपेंड करेगा उस पर इंजुरी क्या है, सिकनेस क्या है, उस केस पर हम लोग डिमांड कर सकते हैं कंपेंसेशन। लॉस ऑफ वेजेस ड्यू टू टोटल पार्शियल परमानेंट और टेम्पररी डिजेबिलिटी, ठीक है, अगर लॉस होता है वेजेस का, अगर किसी तरह का डिजेबिलिटी हो गया है इंसान को, फिर उसके बाद क्या है, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंजुरीज और सिकनेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर डैमेजेस टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा भी और कुछ है, जैसे हमारा एक्सपेंसेस होता है इनकर्ड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इन प्रोवाइडिंग रिलीफ, जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो दौड़ने के चक्कर में हम लोग को जहाँ पे जाना पड़ा तो उसमें जो खर्च हुआ है वो भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं कंपेंसेशन में। फिर उसके बाद लॉस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अलावे भी अगर कहीं पे कुछ लॉस हो गया है तो उसका कंपेंसेशन क्लेम हो सकता है। उसके अलावा वेजिटेबल्स, ट्रीज, ऑर्कर्ड्स, फ्लोरा फौना, एक्वेटिक फ्लोरा, ये सब का अगर डैमेजेस हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है तो वो सारी चीज़ें का कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, ये हम लोग 15 में देख लिए। सेक्शन 19 बात करता है प्रोसीजर और पावर, क्या प्रोसीजर और पावर है, जो ये ट्रिब्यूनल है वो कौन से प्रिंसिपल पे अपना सारा प्रोसीडिंग्स देखता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ध्यान रखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, और ये इसके पास पावर है कि ये रेगुलेट करे इसका ओन प्रोसीड्योर, हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीड्योर, शैल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस, ठीक है, रूल्स ऑफ एविडेंस के तहत ये बाउंड नहीं करेगा कि एविडेंस नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, शैल नॉट बी बाउंड। पावर ऑफ कैसा पावर है, मैंने पहले ही बताया, पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, फिर ऑल प्रोसीडिंग्स आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जितने भी प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशियल नेचर के ही होंगे, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। और अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड द पॉलिटर पे प्रिंसिपल, तीन प्रिंसिपल है आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कौन कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल रोकने का, और पॉल्यूटर पे जिसने पॉल्यूट किया है उसने उसको पे करना होगा। तो ये दो तीन प्रिंसिपल पे ये काम करती है। और डिसीजन बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मेजॉरिटी जो बोलेगी वही डिसीजन होगा, ठीक है। ये सेक्शन 19 हमने प्रोसीड्योर और पावर देख लिया। सेक्शन 22 है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, अंडर सेक्शन 100 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को विद इन 90 डेज, ठीक है, कि कोई भी अगर आया है हमारा ऑर्डर या जजमेंट तो उसमें हम लोगों को अगर अपील करना है तो हम लोग सेक्शन 100 सीपीसी के तहत अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन 90 डेज, ये हो गया। फिर सेक्शन 26 बात करता है पेनल्टी, 22 में अपील टू सुप्रीम कोर्ट, 26 में है पेनल्टी, पेनल्टी में है कि आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 3 ईयर्स, ठीक है, या अगर
फाइन हुआ तो 10 करोड़ का फाइन होगा, किसी कंपनी ने कंपनी का फाइन होता है तो वो अप टू 25 करोड़ होगा। नॉर्मल इंसान का 10 करोड़, कंपनी का 25 करोड़। अगर कोई भी कंपेंसेशन के लिए डिक्री पास हुआ है, जजमेंट पास हुआ है, उसका फेलियर करता है वो कंपनी या वो इंसान देता नहीं है, तो फिर उसको फाइन लगेगा कितना, 25,000 पर डे, 25,000 पर डे एडिशनल फाइन एवरी डे आफ्टर कन्विक्शन फॉर फर्स्ट सच फेलियर, पहला फेलियर के बाद। हाँ, अगर कंपनी का होता है वैसा फेलियर तो ₹25 करोड़, एंड फॉर कंटिन्यूअस कंट्रावेंशन एडिशनल फाइन में भी एक्सटेंड टू ₹1 लाख पर डे। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस कंट्रावेंशन हो रहा है, नहीं दे रहा है वो कंपनी जितना क्लेम किया गया है कंपेंसेशन या डैमेज, जितना कि पास कर दिया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा कि हाँ इतना देना पड़ेगा, फिर भी अगर नहीं दे रहा है तो पर डे एडिशनल फाइन जो है वो ₹1 लाख का होगा। और ऐसे में 25 करोड़ कंपनी का, नॉर्मल किसी इंसान का कितना होगा, 10 करोड़। ठीक है, पनिशमेंट है ये सारी, पेनल्टी है। एनजीटी कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का आप लोगों को वीडियो? एक मिनट मैं देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, ये तो मैंने बता दिया, 10 ईयर जो है वो हमारा 5 ईयर्स का होगा। एक बार रिटायर कर जाने के बाद चेयरमैन जुडिशियल मेंबर जो भी है, अगर एनजीटी से रिटायर कर जाते हैं, वो फिर से एनी जॉब रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ दिस ट्रिब्यूनल, एनजीटी से फिर से कोई मैटर के रिलेटेड में 2 साल तक नहीं ले सकते हैं, कैन नॉट टेक अप। ठीक है, रिटायर करने के 2 साल के बाद फिर से ले सकते हैं, अप टू 2 ईयर्स नहीं ले सकते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक्सपर्ट मेंबर्स का? एक्सपर्ट मेंबर्स का है कि डिग्री होना चाहिए मास्टर ऑफ साइंस में या फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस में विथ अ डॉक्टरेट डिग्री, और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, डॉक्टरेट यानी PhD डिग्री। ठीक है, और एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इन द रिलिवेंट फील्ड, 15 साल का एक्सपीरियंस रिलिवेंट फील्ड में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और इन अ रेप्यूटेड नेशनल और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन में हो। फिर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स होना चाहिए, और ये सारी होगी क्वालिफिकेशन फॉर एक्सपर्ट मेंबर्स। ठीक है, फिर 2 साल तक तो मैंने बताया कि नहीं ले सकते हैं फिर से वो चार्जेस ट्रिब्यूनल का। और मैक्सिमम एज ऑफ चेयरमैन कितना होना चाहिए, 70 ईयर्स इफ ही हैज बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज, एंड 67 ईयर्स इफ ही हैज बीन अ हाई कोर्ट जज। ठीक है, मैक्सिमम एज है 70 सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए 67। और चेयरपर्सन कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस वाया एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे रिमूव हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आफ्टर एन इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच सच चेयर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजेस का बेंच बैठाया जाएगा, उसमें इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शेड्यूल वन में कौन कौन सी एक्ट है वो मैंने बता दिया, और इसी के साथ ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हाँ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ठीक है, उससे नोटिफिकेशन मिलती है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। कई बार कई स्टूडेंट्स कहता है कि मैम आपका वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों की प्रिपरेशन तुरंत तुरंत होते रहे बहुत अच्छे से मेरे साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।